जफराबाद विधानसभा से सपा सुभाष बाग गठबंधन के प्रत्याशी जगदीश नारायण राय के एक बार फिर जीत दर्ज करने के बाद बधाई देने वालों का तांता लगा है। लोग सुबह से ही उनके घर पर पहुंचकर प्रतिदिन बधाई दे रहे हैं, साथ ही लोग उनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं। जगदीश नारायण राय ने बीजेपी के विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह को मात देकर एक बार फिर से जफराबाद विधानसभा की जनता का दिल जीता है। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह जनता के बहुत ही आभारी हैं, हर वर्ग ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है, चाहे युवा हो बुजुर्ग हो, सभी ने उन्हें प्रतिनिधित्व करने का एक बार फिर से मौका दिया है, जिसके बाद वो जनता के आभारी हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि जनता खुद को ही विधायक समझे, हर व्यक्ति अपने को विधायक समझे और कहीं पे भी अगर किसी काम की ज़रूरत हो, कोई भी दिशा निर्देश हो, तो उसके लिए वह उनसे संपर्क कर सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कहीं पे भी अगर कोई कमी नज़र आए तो लोग बेझिझक होकर के उनसे बताएं, वह जनता के हित के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए सदैव खड़े हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा नवनिर्वाचित विधायक जगदीश नारायण राय ने। जताया है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनता ने बहुत अच्छी तरह से बहुत बहुत व्यापक और बड़े जोर शोर से साथ मुझे मेरा अकेला बस कुछ नहीं था, मैं जनता का आभारी हूँ। जनता को जो ये चुनाव लड़के इस कठिन संघर्ष में धन बल को नकारा, जाति बल को नकारा, बाहुबल को नकारा, धमकियों चमकियों से दूर रहे, इन सब के बावजूद भी लोग खुल के आए सामने, मैं उनका आभारी हूँ। और विशेषकर अपने क्षेत्र के युवाओं का, जिन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और चुनाव से बड़े सूझबूझ के साथ वो काम किए। सभी हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद दिए, हमारे नौजवान किसान मजदूर सब लोग एक साथ थे, मैं उन सबका आभारी हूँ। और ये अपेक्षा करूँगा कि जिस तरह से आप लोगों ने जिस उद्देश्य जिस प्रेम के साथ मुझे सहयोग दिया है, जिताया है, इसको कायम रखेंगे और हम जहाँ भी प्राथमिकता हो, जहाँ गलतियाँ हो, जहाँ काम हो, उस पर हमको इंगित करते रहेंगे। और सभी लोग अपने को लोकतंत्र में विधायक माने, हम आपके प्रतिनिधि हैं, नौकर हैं, आप राजा के रूप में हमको आदेश दें और हम आपके काम करें, यही मेरी अपेक्षा है।